उन्नाव जिला प्रशासन ने गैंगस्टर अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने अपराधी के करीब 29 लाख की जमीन, 23 लाख के वाहन कुर्क कर जब्त किए। जमीन को कब्जे में लेकर राजस्व विभाग ने चिन्हांकन कर बोर्ड लगा दिए। अपराधी की 52 लाख की संपत्ति कुर्क कर प्रशासन ने अपराधी की कमर तोड़ दी। जिला प्रशासन की कार्रवाई से अन्य अपराधियों में हड़कंप मच गया। सदर उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के गजौली गांव के रहने वाले गैंगस्टर अपराधी सतीश कुमार के खिलाफ उन्नाव सदर कोतवाली में हत्या, लूट समेत 9 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। फतेहपुर चौरासी थाने में भी 2 मुकदमा दर्ज है। अपराध की दुनिया से जुड़कर अपराधी बनकर सतीश ने बेशुमार संपत्ति कमाई। जिला प्रशासन ने सतीश कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 52 लाख की संपत्ति कुर्की। राजस्व विभाग की टीम आज भारी पुलिस बल के साथ गजौली गांव पहुंची, जहां सतीश के 3 ट्रक कब्जे में लिए गए, जिनकी कीमत 23 लाख से ज्यादा है। सतीश के नाम पर दर्ज 15 लाख से अधिक की भूमि, अचल संपत्ति व पत्नी के नाम पर दर्ज 14 लाख से ज्यादा कीमत की भूमि को प्रशासन ने कुर्क कर कब्जे में ले लिया। प्रशासन ने भूमि पर प्रशासनिक कब्जे के बोर्ड लगा दिए। करीब 4 घंटे तक पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई जारी रही। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के माफिया में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कार्रवाई से जेल में बंद अपराधी सतीश की कमर टूट गई। एसपी शशि शेखर सिंह ने बताया, जनपद में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जनपद उन्नाव में अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए आज कुख्यात अपराधी सतीश कुमार के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत 40 लाख रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण किया गया है, जिसमें कि 3 ट्रक और लगभग 25 लाख रुपए की भू संपत्ति शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।